नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे शिवरात्रि के दौरान, शिवरात्रि की पूजा के दौरान हमें कौन कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। दोस्तों हम जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका हमें उल्टा प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों इस बार शिवरात्रि 4 मार्च को है। दोस्तों इस बार शिवरात्रि बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस साल 7 साल बाद दोस्तों शिवरात्रि को सर्वात सिद्धि योग बन रहा है। ये योगों में सर्वश्रेष्ठ योग होता है। दोस्तों सर्वार्थ सिद्धि योग पर की गई भगवान श्री भोलेनाथ की पूजा आपके सारे दुख दूर कर देते हैं, आपकी ज़िंदगी में आ रही सभी समस्याओं से आपको निजात पा देते हैं, साथ ही आपकी ज़िंदगी सुख समृद्धि से भर जाती है। दोस्तों शिवरात्रि का समय शिव भक्तों के लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। दोस्तों इस दिन माँ शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम भूलकर पूजा करते समय छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं जो हमें मालूम नहीं होती है और हमें उसका असर उल्टा देखने को मिलता है। दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूँ कि हम जो भी ये बात बता रहे हैं आपको, ये पूरे तथ्यों के साथ बता रहे हैं। हमारी जाने अनजाने की गई उन गलतियों के कारण हमारी पूजा सफल नहीं हो पाती है, उल्टा भगवान भोलेनाथ हम पर नाराज होते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको वो 5 बातें बताने हैं जिससे आपको भूलकर भी पूजा के दौरान नहीं करना चाहिए। दोस्तों शिवरात्रि के दिन हम सभी लोग भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक जरूर करते हैं। दोस्तों ये करना भी चाहिए, लेकिन अभिषेक के दौरान हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमें अपनी पूजा का पूरा फल नहीं मिलता, उल्टा हमें नुकसान भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों आपको शिवलिंग पर अभिषेक करते समय काले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनना है। शिवलिंग पर जला चढ़ाते हुए कभी भी काले कपड़े पहनने से हमारी पूजा सफल नहीं हो पाती है, उल्टा हमारी पूजा नकारात्मकता की ओर ले जाती है और ये भगवान शिव को नाराज करने योग्य बात है। दोस्तों शिवरात्रि का जो ये वक्त है, इस वक्त में भगवान शिव एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो सकते हैं। बस जरूरत है तो सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से जीवन के सारे कष्टों से हमें मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों चाहे कोई भी कष्ट हो, भोलेनाथ की शरण में जाने वाले को सबसे पहले उस समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर कई प्रकार की चीज़ें अर्पित की जाती है। वहीं दोस्तों उन अर्पित की जाने वाली चीज़ों में हम कई बार गलतियां कर देते हैं। दोस्तों शिवरात्रि के दिन दूध, भांग, शहद, केसर, दही, चंदन आदि चीज़ें अर्पित कर देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि हम लोग अर्पित करते समय जाने अनजाने हमें पता नहीं होता है कि हमें कौन सी चीज़ अर्पित करनी है और कौन सी चीज़ अर्पित नहीं करनी है, उसके चक्कर में हम लोग गलतियां कर बैठते हैं और भगवान भोले बाबा को नाराज़ कर बैठते हैं। दोस्तों शिवलिंग पर कभी भी तुलसी के पत्तों को नहीं चढ़ाना चाहिए, ये शास्त्रों में वर्जित है। दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव पर जो तुलसी के पत्ते होते हैं उनको नहीं चढ़ाया जाना चाहिए, और वो अगर आप भूले बिसरे आप उसको चढ़ा देते हैं जाने अनजाने, तो दोस्तों उसको आपको उसका उल्टा असर देखने को मिलता है, आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है, भोलेनाथ की नाराज़गी आपको झेलनी पड़ सकती है। तो दोस्तों हमें शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते भूलकर भी नहीं चढ़ाने हैं, ऐसा करने से हमें नुकसान होता है। दोस्तों कई बार होता है कि तुलसी को हम ज़्यादातर एकादशी के दिन और ज़्यादातर शुभ कार्यों में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, तो कई लोग भूलवश ये समझ बैठते हैं कि तुलसी के पत्ते चढ़ाने से भोलेनाथ की पूजा
जो है वो सफल होती है, जो ऐसा नहीं होता है। तो अगली दो बात है दोस्तों कि हमें आगे और कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। दोस्तों जब हम लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो दोस्तों जल चढ़ाते समय हमने जो शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया है, जो वो बहकर वो जल जहाँ की जिस और जिस दिशा में जा रहा है, हमें उस जल को लांघ कर कभी नहीं जाना चाहिए। जिस जल को हमने शिवलिंग पर अर्पित किया है, शिवलिंग का अभिषेक कर दिया है, वो जल हमारे लिए पूजनीय हो जाता है। और दोस्तों उस जल को कभी भी भूल कर भी लांघ कर नहीं जाना। ऐसा करने से आप पाप के भागी बन सकते हैं, आपके द्वारा किए गए कई सारे अच्छे कार्य भी नष्ट हो सकते हैं, उल्टा आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए दोस्तों आप जब पूजा कर रहे हों तो इन छोटी छोटी बातों का विशेष ख्याल रखें। अगली बात है दोस्तों कि शिवलिंग पर हम लोग जब पूजा करते हैं तो दूध, दही, शहद, भांग, केसर, बिल्व पत्र, कई प्रकार की जो उनको चीज़ें अर्पित करते हैं, कई प्रकार के बेलपत्र वगैरह अर्पित करते हैं, जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा के पात्र बनते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं जो भगवान भोलेनाथ को स्वीकार्य नहीं होती है। भगवान भोले के शिवलिंग पर वो चीज़ें अर्पित हमें नहीं करनी चाहिए, वो हम लोग अर्पित कर देते हैं। इससे दोस्तों क्या होता है, हमें अपनी पूजा का जो है वो फल नहीं मिल पाता है, साथ ही हमें कई प्रकार के नुकसान देखने को मिलते हैं। इसीलिए भगवान भोले के शिवलिंग पर कभी भी दोस्तों सिंदूर और हल्दी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना पाप के भागीदार बनाता है आपको। इसीलिए कभी भी शिवलिंग पर दोस्तों सिंदूर और हल्दी भूल कर भी नहीं चढ़ाएं। दोस्तों अगली बात है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आपने महाशिवरात्रि का व्रत रखा है, भोलेनाथ के नाम का संकल्प लिया है, एक दिन का व्रत रखा है, तो दोस्तों आपने उस व्रत के दौरान महाशिवरात्रि के व्रत के पूरे वक्त के दौरान आपने भूल कर भी किसी से भी झूठी और अपमानजनक बात नहीं करनी है। ऐसा करने से आपको उस जो व्रत होता है उस व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता है, उल्टा आप पाप के भागीदार होते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत के दौरान आपका पूरा दिन शिवमय होना चाहिए, भगवान शिव की पूजा अर्चना में बीतना चाहिए। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमने उसमें बताया है कि चारों प्रहर में अलग चार चार मंत्रों के साथ भगवान शिव का अभिषेक करने से भोलेनाथ को प्रसन्न होना ही पड़ता है। भोलेनाथ को प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देना ही पड़ता है, क्योंकि वो भोला है, वो आपके द्वारा बस एक लोटे जल को अभी अर्पण किया हुआ स्वीकार कर लेता है और आप पर प्रसन्न हो जाता है। तो दोस्तों ये जो बातें थी ये आपने पूजा के दौरान गलतियां नहीं करनी हैं। और दोस्तों पूजा के दौरान कौन कौन से खास मंत्रों से भगवान शिव पर प्रसन्न होते हैं ये हमारा पिछला वीडियो आप देख लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।